وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلق والعبد عبد وهو الله رؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद्द तकरीम व तअज़ीम हज़रात सामईन किराम बुज़ुर्गान दीन, गुज़िश्ता जुमा आप हज़रात के सामने एक मौज़ू शुरू किया था कि दुनिया के अंदर वो कौन से इंसान हैं जिनको ज़बान नबूवत से बेहतरीन अफराद का टाइटल मिला। अगर ज़खीरा अहादीस में तलाश किया जाए, देखा जाए तो टोटल 12 अफराद ऐसे हैं जिनको अल्लाह के नबी ने बेहतरीन अफराद करार दिया है, जिनमें 4 अफराद का तज़किरा गुज़िश्ता जुमा हो गया था। आज पांचवां शख्स आप हज़रात के सामने ज़िक्र करूँगा कि जिनको अल्लाह के नबी ने बेहतरीन अफराद करार दिया। पांचवां शख्स वो कौन है भला? आपने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम ली अहलिही, तुम में से सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर सलूक करता है। खैरुकुम खैरुकुम ली अहलिही, तुम में से सबसे बेहतरीन शख्स, तुम में से बेहतरीन अफराद वो हैं जिनका ताल्लुक़ अपने घर वालों के साथ खूबसूरत है, बेहतरीन है। ये पांचवा शख्स है, ये पांचवा आदमी है जिसको अल्लाह के नबी ने बेहतरीन करार दिया। अब अपने घर वालों के साथ हम बेहतर कैसे हो सकते हैं? इसके साथ क़ुरान की एक आयत जोड़ते हैं, इरशाद बारी ताला, अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, क़ू अन्फुसकुम, अपने आप को भी बचाओ, व अहलीकुम, और अपने घर वालों को भी बचाना, नारन, जहन्नम की आग से, जहन्नम की आग से। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम बेहतरीन अफराद बनना चाहते हो तो फिर क्या काम करना है भला? सबसे पहला काम ये करो कि अपने आप को बचाओ जहन्नम की आग से, फिर उसके बाद अपने घर वालों को भी उससे बचाओ। इंसान जब आँख खोलता है तो आँख खोलने से लेकर मौत तक, कब्र में उतरने तक, हर कदम, हर लम्हा, हर लहजा इंसान अल्लाह ताला के इनामात और एहसानात से फ़ायदा उठाता रहता है।
बदकिस्मती से मेरा मुआशरा अल्लाह की नेमत और अल्लाह का एहसान सिर्फ़ दौलत को समझते, अच्छे घर को समझते, गाड़ी को समझता है, खूबसूरत घर को समझता है कि अगर मेरे पास दौलत है, मेरे पास ओहदा है, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी है, तो समझता है कि शायद मेरे ऊपर अल्लाह का इनाम है, अल्लाह का एहसान है। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो वो ये समझता है कि शायद मेरे ऊपर अल्लाह ताला का कोई इनाम और कोई एहसान नहीं है, जबकि ये बात बहुत बईद है। अक़ल इस बात को तस्लीम नहीं करती। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत ईमान, और ईमान के बाद अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत वो सेहत। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदों के ऊपर बहुत ज़्यादा इनामात और एहसानात करते हैं, उनमें से ईमान के बाद जो सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत है वो सेहतमंद होना। अगर आपने देखना हो कि सेहत अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, तो ज़रा आप बीमारों के पास जाया करें, ज़रा आप हॉस्पिटल का चक्कर लगाया करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि सेहतमंद होना, तंदुरुस्त होना, हर किस्म की बीमारी से पाक साफ़ बेऐब होना, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। और मेरा मुआशरा ये समझता है, मेरा मुआशरा ये ख्याल करता है, अगर दौलत है, अगर खूबसूरत घर है, अगर खूबसूरत गाड़ी है, अगर डिफेंस के अंदर कोठी और बंगला है, फिर हम ये समझते हैं कि अल्लाह का हमारे ऊपर इनाम और एहसान है। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो फिर अल्लाह का हमारे ऊपर इनाम और एहसान नहीं है। हमें ये ज़हनियत बदलनी पड़ेगी, हमें अपने आप को समझाना पड़ेगा, हमें अपने आप को बतलाना पड़ेगा कि सारी दौलत का आ जाना ये सारा कुछ नहीं है। गम और भी हैं दुनिया में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। सिर्फ मोहब्बत का गम गम नहीं है, और सिर्फ़ दोस्त और महबूब का मिल जाना ये खुशी ही खुशी नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। तो मैंने ज़िक्र ये किया कि हमारे ऊपर अल्लाह ताला के इनामात और अल्लाह ताला के एहसानात बेशुमार हैं, उनमें से अल्लाह की एक नेमत घर वालों का होना भी है। घर वालों के अंदर बीवी हैं, बच्चे हैं, वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, अजीज़ो अकारीब हैं, रिश्तेदार हैं, इन सब का होना ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और इस नेमत को चार चांद उस वक्त लग जाते हैं जब इनसे मिलकर, जब इनको देखकर, जब इनको पाकर इंसान को सुकून मिले, इंसान को आँखों की ठंडक मिले, इंसान राहत महसूस करे, फिर और ज़्यादा इनकी नेमत और इनका एहसान अल्लाह ताला का हमारे ऊपर इनकी वजह से बढ़ जाता है। कुरान की एक आयत, मैं आपके सामने उसका तर्जमा करता हूँ और आप महसूस करेंगे कि ये कितनी खूबसूरत दुआ है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो ईमान वाले लोग हैं ना, वो क्या कहते हैं भला? वो कहते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन, या अल्लाह हमें बीवी और बच्चों से आँखों की ठंडक नसीब फरमाना। बीवी का होना भी बहुत बड़ी नेमत, बच्चों का होना भी बहुत बड़ी नेमत। इस नेमत के अंदर ज़्यादती उस वक्त हो जाएगी कि जब इनको देखकर हमें आँखों की ठंडक, हमारे दिल को सुकून और हमारे दिमाग को इत्मीनान मिले। वजालना लिलमुत्तकीना इमामा। और दूसरी दुआ इस आयत के अंदर अल्लाह ने यह सिखलाई कि या अल्लाह, तू हमें नेक लोगों का भी इमाम बनाना। एक ये है कि हमें नेक बनाना, एक इससे आगे स्टेप है, एक इससे आगे सीढ़ी है, एक कदम इससे भी आगे है कि अल्लाह सिर्फ नेक ना बनाना बल्कि नेक लोगों का भी हमें इमाम बनाना। उलमा फरमाते हैं कि इंसान को ये दुआ सुबह शाम मांगनी चाहिए। और अगर हम अल्लाह के नबी की ज़िंदगी का मुताला करें ना, तो हमें पता चलेगा कि अल्लाह के नबी हर दुआ के अंदर ये मांगा करते थे। अल्लाह के नबी हर दुआ के अंदर ये मांगा करते थे कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा।
अब सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया ईमान वालों को मुझसे यही दुआ मांगनी है कि या अल्लाह बच्चे भी दे, बीवी भी दे, और सिर्फ बीवी बच्चे ना हों बल्कि इनको देखकर सुकून मिले, इनको देखकर चैन मिले, इनको देखकर आँखों को, दिल को, दिमाग को फरहत, सुकून, इत्मीनान और राहत मिले, राहत नसीब हो। अब सो छोटा सा सवाल जहन में उभरेगा, छोटा सा सवाल जहन में पैदा होगा कि हमें किस तरह अपने बीवी बच्चों से सुकून, चैन, इत्मीनान मिल सकता है। तो उसका आसान सा जवाब, उसका मुख्तसर सा जवाब ये है, उसका मुख्तसर सा जवाब ये है कि बचपन से लेकर जवानी तक हम अपने बच्चों की तरबियत उस तरह कर दे जिस तरह अल्लाह के नबी अपने बच्चों की तरबियत किया करते थे। ये मेरे मुआशरे का बहुत बड़ा अलमी है, ये मेरे मुआशरे का बहुत बड़ा अलमी है। हम बच्चों के लिए खूबसूरत रिश्ते तलाश करते हैं, हम बच्चों के लिए अच्छी तालीम का इंतज़ाम करते हैं, हम बच्चों के लिए अच्छे घर का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से मेरा मुआशरा बच्चों की खूबसूरत तरबियत से आँखें बंद कर लेते। वालिदैन को पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। याद रखना, औलाद का होना बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इस नेमत के अंदर उस वक्त इजाफा और ज़्यादती होगी कि जिस वक्त हमारे पास सिर्फ औलाद ना हो बल्कि औलाद आँखों की ठंडक की शक्ल में हो। और औलाद हमारी आँखों की ठंडक वाला कैसे बनेगी, उसके लिए मैंने आप हजरात के सामने ज़िक्र किया कि हम बचपन से लेकर, हम पैदाइश से लेकर बच्चा जूँ ही दुनिया में आए, बच्चा जूँ ही आँखें खोले, जूँ ही बच्चा हमारे सामने आए, हम उस वक्त से लेकर उसके जवान होने तक 20-25 साल तक या उसकी अगली ज़िंदगी जो शादी वाली ज़िंदगी है उस वक्त तक हम बच्चे की तरबियत ऐसी करें जिस तरह अल्लाह के नबी ने अपने बच्चों की तरबियत की है। काश कि आज हमारे वालिदैन ऐसे होते, काश दुनिया के अंदर कोई एक जोड़ा ऐसा होता कि जो खुले मैदान के अंदर साफ अल्फाज में ये कह सकता कि बेटा बेटी मैंने बचपन से लेकर जवानी तक, बचपन से लेकर तेरी शादी की उम्र तक उस तरह तेरी तरबियत की है जिस तरह मुझे कुरान ने कहा, जिस तरह मुझे नबी के फरमान ने कहा, जिस तरह मुझे नबी की ज़िंदगी से मिला। दुनिया खाली नहीं है, दुनिया में मुकम्मल अंधेरा छाया नहीं है, ऐसे अफराद होंगे लेकिन बहुत कम है। तलाश भी किए हैं, ढूंढे भी हैं, लेकिन ऐसे अफराद मिले नहीं हैं। बहुत कम वालिदैन हैं कि जो बाद के अंदर जाकर थोड़ा कुछ बच्चों को बतला देते हैं, वगरना वो भी नहीं है। बल्कि बच्चे जब खुद बड़े होते हैं, जब खुद समझदार होते हैं, जब उलमा के साथ उठना बैठना शुरू किया, मसाजिद में आना शुरू किया, तब जाकर उनको थोड़ा बहुत ये माहौल मिलता है कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, नबी क्या है, और नबी की ज़िंदगी और नबी की सीरत क्या है। ऐसे वालिदैन अब दुनिया में मौजूद नहीं हैं। आप बच्चों से आँखों की ठंडक हासिल करना चाहते हैं, मैं उसके लिए सिर्फ 2-3 बातें आप हजरात के सामने ज़िक्र करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात बच्चों का हमारे ऊपर हक क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था ना कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने बीवी बच्चों के लिए बेहतरीन है। और आप अपने बीवी बच्चों के लिए कैसे बेहतरीन बन सकते हैं भला, कि आप बचपन से, आप पहले दिन से, पहले मिनट से बच्चों की तरबियत ऐसे करें जैसे अल्लाह के नबी ने तरबियत की है। उसके लिए कौन सी बातें हैं, उसके लिए कौन सी चीज़ें हैं, मैं नंबरवार आप हजरात के सामने जिक्र करता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि जब बच्चा पैदा हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसके दाहने कान के अंदर आज़ान और उसके बाहने कान के अंदर इकामत कहनी है। यहाँ पर शैतान और यहाँ पर मगरिब से मुतासिर कुछ अफराद ऐसे होंगे कि जो आपको कहेंगे कि बच्चा तो अभी 2-3 मिनट का है, बच्चा तो अभी आधे घंटे का है, उसको अजान का क्या पता, उसको इकामत का क्या पता।
बल्कि आदमी को अगर तर्जमा ना आता हो तो बड़ा आदमी भी अजान और इकामत से इसका फ़ायदा क्या, इसके मतालिब क्या, इसका तर्जमा क्या है, बड़े आदमी को भी पता नहीं है। तो आधे घंटे के बच्चे के कान के अंदर अजान कहना और इकामत कहना ये समझ से बालातर है। याद रखना, अल्लाह के नबी ने ख़ुद इसका जवाब दे दिया। आपने फरमाया, जब बच्चा दुनिया में आता है, जब बच्चा दुनिया में आता है तो शैतान उसको छेड़ता है, शैतान किसी चीज़ के साथ उसको तकलीफ़ देता है जिसके साथ वो बच्चा रोना शुरू कर देता है। तो शैतान उसके कान के अंदर जाकर एक बात कहता है, उसको जाकर कहता है, ऐ इब्ने आदम, ऐ इंसान, ऐ आदमी, तू दुनिया के अंदर आ तो गया है ना, अब यहाँ से लेकर कब्र में उतरने तक तेरा और मेरा मुकाबला रहेगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया चूंकि उस वक्त सबसे पहले शैतान आकर इंसान को हाथ लगाकर उसके कान के अंदर ये बात कहता है ना, तो तुम फौरन जूं ही बच्चा तुम्हारे हाथों के अंदर आए, बच्चा हयात हो, बच्चा ज़िंदा हो, तो उसके एक कान के अंदर तुम अजान कहना और दूसरे कान के अंदर तुम इकामत कहना, ताकि उसी वक्त से बच्चे के दिल और दिमाग के अंदर अल्लाह और उसके नबी की महब्बत, उल्फत, प्यार ये सारे का सारा पैदा हो जाए। ये सबसे पहला काम है बच्चे की पैदाइश के बाद। फिर उसके बाद दूसरा काम, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब बच्चा 7 दिन का हो जाए, ना, तो आपने फरमाया कि तुम उसका अकीका करना, उसके सर के बाल मूंढना और मूंढने के बाद उसके बराबर तुम चांदी सदका करना। यहाँ पर छोटी सी बात है कि ये जहन में रहे, कि जब बच्चे का 7वें दिन हम उसके सर के बाल मुंडवाकर उसका अकीका करते हैं ना, तो बहुत से लोग यहाँ पर एक सुन्नत से चूक जाते हैं। आपने फरमाया कि उसके बालों का वज़न करना और वज़न के बराबर चांदी सदका करना, ये एक बहुत बड़ी सुन्नत है। मेरे मुआशरे ने इसको छोड़ दिया है। और ये बात भी जहन में रहे कि ये कोई बहुत महंगी नहीं है। आदमी ये मत सोचे कि इतने महंगाई के दौर के अंदर हम चांदी कहाँ सदका कर सकते हैं। आपको अंदाज़ा होगा कि बच्चे के जो पहली दफ़ा जो बच्चे के बाल मूंढे जाते हैं ना, उनका जो वज़न होता है, उसकी जो मकदार होती है ना, वो 4 या 5 ग्राम होती है, इससे ज़्यादा नहीं है, 4 या 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं है। और आज की चांदी की जो कीमत है ना, वो 10 ग्राम चांदी वो 2500 रुपये की है। तो इस हिसाब से अगर 5 ग्राम भी किसी बच्चे के बाल हों तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो कीमत हो सकती है ना, वो 700 या 800 रुपया हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो मेरा मुआशरा जानबूझकर या भूल कर या गफलत का शिकार होकर हमने एक बहुत बड़ी सुन्नत को तर्क कर दिया, हमने इस सुन्नत को छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 7वें दिन तुम बच्चे का अकीका करना और उसके बाल मूंढ देना, और बाल मूंढने के बाद बालों का वज़न करना और वज़न के बराबर तुम चांदी सदका करना। हम उस मौके पर इतनी ज़्यादा खुशियाँ मनाते हैं, लाखों रुपए तो आम एक मामूल के मुताबिक हम खर्च कर देते हैं, तो अगर हम 700-800 रुपए की चांदी ख़रीद कर अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात कर दें, तो मेरे ख़्याल से शुरू से ही बच्चे की तालीम और तरबियत के अंदर इस चीज़ का बहुत बड़ा दखल होगा। आपको नुमाया फ़र्क महसूस होगा उस बच्चे के दरमियान कि शुरू से आपने जिसकी तरबियत उस तरह की है जिस तरह अल्लाह के नबी ने हज़रत फ़ातिमा से कहा था। आपने हज़रत फ़ातिमा से कहा तो जब हसन और हुसैन पैदा हुए तो हज़रत फ़ातिमा ने बिल्कुल वही काम किए जिस तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया था। ये दूसरी बात। तीसरी बात, आपने फरमाया जब तुम बच्चे का सर मूंढ लो ना, तो मूंढने के बाद ज़ाफ़रान ऊपर मल देना। आज मेरा मुआशरा ये भी छोड़ चुका है, मेरा मुआशरा ये भी भूल चुका है। हम तरह तरह की अदवियात तो सर के ऊपर लगा लेते हैं, लेकिन हम ज़ाफ़रान को छोड़ चुके हैं। दो चार पत्ते ज़ाफ़रान के लेकर पानी के अंदर डाल दें, थोड़ी देर के बाद हम उसको बच्चे के सर के ऊपर मल दें, और
और आज आपकी साइंस भी ये बात कहने के ऊपर मजबूर है कि छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो तरह तरह की बीमारियां उसके ऊपर हमला आवर होती हैं। तो अगर सर मूटने के बाद बच्चे के सर के ऊपर ज़ाफ़रान मल दिया जाए ना, तो फिर कोई भी बीमारी बच्चे के करीब नहीं आ सकती। अल्लाह के नबी ने तो उस वक्त फरमाया था ना कि जब साइंस का नामो निशान तक नहीं था, और आज साइंस ये बात मानने के ऊपर मजबूर है कि अगर बच्चे की पैदाइश के 7 या 8 दिन के बाद आप बच्चे के सर मूंड कर ऊपर ज़ाफ़रान को मल देते हैं तो कोई बीमारी भी बच्चे के करीब नहीं आ सकती। ये तीसरा काम था जो अल्लाह के नबी ने हज़रत फ़ातिमा से कहा था। और चौथा काम आपने फरमाया कि 7वें दिन तुम अपने बच्चे का एक खूबसूरत नाम तजवीज़ करना, एक खूबसूरत नाम तजवीज़ करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया के अंदर आने के बाद बच्चे को वालिदैन की तरफ से जो सबसे पहला तोहफा मिलता है ना, वो एक खूबसूरत नाम की शक्ल के अंदर होता है। बच्चे के दुनिया के अंदर आने के बाद वालिदैन की तरफ से बच्चे को जो सबसे पहला तोहफा मिलता है वो एक खूबसूरत नाम की शक्ल में होता है। और ये इस नाम का ताल्लुक सिर्फ दुनिया के अंदर नहीं है, दुनिया के अंदर भी बच्चा इसी नाम से पुकारा जाता रहेगा, और दुनिया से चले जाने के बाद अपने बेटे याद करेंगे वालिद को, पोते याद करेंगे दादा को, और फिर उसके बाद कल क़यामत वाले दिन हमें उसी नाम से पूरी दुनिया के सामने बुलाया और पुकारा जाएगा। हज़रत आदम से लेकर आखिरी इंसान तक जब सारे का सारा मजमा वहाँ मौजूद है तो हमें उसी नाम से बुलाया जाएगा, उसी नाम से पुकारा जाएगा जो हमारे वालिदैन ने रखा है। तो अगर हमारा नाम अच्छा ना हुआ, अगर हमारा नाम खूबसूरत ना हुआ, तो दुनिया के अंदर भी हम शर्म से ज़िंदगी गुजारते रहेंगे, मरने के बाद भी, और कल क़यामत वाले दिन जब सरे महशर हमें बुलाया और पुकारा जाएगा तो अगर नाम खूबसूरत ना हुआ तो भी हमारा सर शर्म से झुक सकता है। नाम के अंदर आप 3 चीज़ों को जहन में रखिए। मेरा मुआशरा यहाँ पर बड़ा इफरात और तफरीत का शिकार है कि बसाओकात ऐसा नाम देखने को मिलता है कि वो नाम कभी सुना ही नहीं होता, और बहुत दफ़ा ऐसे नाम भी हमने देखे और सुने हैं कि कोई भी आप डिक्शनरी उठाएं, कोई भी आप लुगत उठाएं, कोई भी आप किताब उठाएं, उस नाम का कोई तर्जमा ही नहीं है, उस नाम का कोई मतलब ही नहीं है, उस नाम का कोई मफहूम भी नहीं है। मेरा मुआशरा यहाँ पर भी आकर बहुत बड़ी चूक कर जाता है। हमें नाम रखने के वक्त पता ही नहीं चलता कि हम किस तरह का नाम तजवीज़ करें। तो अल्लाह के नबी ने जो हमारी रहनुमाई फरमाई है, आप 3 बातें ये जहन में रखिए कि नाम रखने के अंदर सबसे पहली बात आप ये जहन में रखिए कि हमारे नाम के अंदर किसी भी किस्म का शिर्क ना हो, हमारे नाम के अंदर किसी भी किस्म का शिर्क ना हो। अल्लाह के नबी के पास जब कोई सहाबी आते, मुसलमान होते, तौबा करते, कुफर छोड़कर इस्लाम के अंदर आते, तो सबसे पहले आप ये फरमाते कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। अगर नाम इस्लामी कवानीन के मुताबिक होता तो आप उसको बाकी और बरकरार रखते, और अगर नाम का मतलब और मफहूम ठीक ना होता, नाम के अंदर शिरकिया अल्फाज होते, तो आप उसको बदल देते। मिसाल के तौर पर हज़रत अबू हुरैरा जब ये मुसलमान हुए ना, तो इनका नाम था अब्दुश्शम्स, सूरज का बंदा। तो चूँकि अरब सूरज की पूजा करते थे, बुतों को भी पूजते, सूरज को भी पूछते, तो आपने पूछा बेटा नाम क्या है, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह अब्दुश्शम्स, तो आपने फरमाया ये नाम ठीक नहीं है, आपने उनका नाम बदल कर फिर अब्दुर्रहमान रख दिया। एक और शख्स आया, आकर इस्लाम लाया, तौबा की, आपने फरमाया नाम क्या है, उन्होंने कहा अब्दुल उज्जा, उज्जा बुत का नाम था, बैतुल्ला के अंदर ये बुत रखा गया था, बुतों का सरदार, आपने फरमाया ये नाम
ठीक नहीं है। इसका माना है उज़्ज़ा का बंदा, और उज़्ज़ा तो किसी भी चीज़ का मालिक नहीं है। आपने उनका नाम भी तब्दील फरमा दी, आपने उनका नाम भी तब्दील फरमा दिया, तो सातवें दिन जाकर हमने बच्चे की तालीम और तरबियत के अंदर जो काम करना है वो है बच्चे का खूबसूरत नाम तजवीज़ करें, और खूबसूरत नाम के अंदर सबसे पहला काम हम ये करें कि हमारे नाम के अंदर किसी भी किस्म का शिर्क का शायबा ना हो। नंबर दो, नाम रखने के अंदर ये बात जहन में रखें कि नाम का माना खूबसूरत, नाम का माना मतलब खूबसूरत हो, उसका कोई मतलब गलत ना हो, उसका कोई मतलब गलत ना हो। एक आदमी आया, आकर इस्लाम लाया, तो आपने पूछा नाम क्या है, आपने पूछा नाम क्या है, तो वो कहने लगे या रसूलल्लाह मेरा नाम है मुर्रा, मेरा नाम है मुर्रा। मुर्रा में माना कड़वा, कड़वा। तो आपने फरमाया मोमिन तो मीठा होता है, मोमिन तो कड़वा हो ही नहीं सकता। तो आपने फिर उनका नाम मुर्रा से तब्दील करके आपने उनका नाम रख दिया जमील, जमील का माना खूबसूरत। आपने फरमाया मोमिन जिस शक्ल के अंदर भी हो मोमिन हमेशा खूबसूरत ही लगता है। एक औरत आई, इस्लाम लाई आपके हाथ के ऊपर, तो आपने फरमाया नाम क्या, आपने फरमाया नाम क्या, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरा नाम है आसिया, आइन के साथ। एक हमारे मुआशरे के अंदर चलता है अलीफ़ के साथ, वो ठीक है, उसका माना उम्मीद रखने वाली औरत। एक है आइन के साथ, उसका माना नाफरमान औरत, गुनाहगार औरत। तो आपने फरमाया इस नाम का मतलब ठीक नहीं, आपने फरमाया इस नाम का मतलब ठीक नहीं है, तो आपने उनका नाम तब्दील कर दिया, आसिया से आपने उनका नाम बदल कर जमीला रख दिया, बमाना खूबसूरत और बमाना खूबसूरत औरत। तो नाम के अंदर सबसे पहला काम हम ये करें कि हमारा वो नाम शिर्क से पाक हो। नंबर दो, उसका मतलब, उसका मफहूम, उसका तर्जमा ठीक हो। यहाँ पर एक छोटी सी बात ये जहन में रखिए, यहाँ पर एक छोटी सी बात ये जहन में रखिए कि बहुत से नाम कलाम अरब के अंदर हर जुबान के अंदर ऐसे हैं कि उनके बहुत ज़्यादा मतालिब होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा तराजिम होते हैं। मिसाल के तौर पर उस्मान बड़ा मशहूर नाम है, अल्लाह के नबी के दोहरे दामाद हैं, खलीफा राशिद हैं उस्मान। अगर आप लुगत, आप डिक्शनरी उठाइए ना, तो आपको इसके 8-9 तर्जमे मिलेंगे जिसके अंदर एक तर्जमा खूबसूरत है। उस्मान का माना खूबसूरत कलम, खूबसूरत कलम उस्मान का एक तर्जमा है, बाकी जितने भी तर्जमे हैं ना वो अच्छे नहीं हैं, वो खूबसूरत नहीं हैं, वो दिल को लगते नहीं हैं। अगर वो बयान कर दिए जाएँ तो आप लोग नाम रखना छोड़ देंगे, लेकिन अल्लाह के नबी जब हज़रत उस्मान इस्लाम लेकर आए तो आपने उनका नाम बदला नहीं है। तो इससे पता चला अगर कोई ऐसा नाम है, इससे पता चला अगर कोई ऐसा नाम है कि जिसके बेशुमार मतालिब, बेशुमार तराजिम हैं, कोई एक तर्जमा भी अगर उसका खूबसूरत, अच्छा और आपके दिल को लगता है ना, तो आप वो नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वो अपने बच्चों का नाम रख सकते हैं। नंबर तीन, नाम रखने के अंदर हमने जिस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करना है, तीसरा काम क्या करना है भला, हम ऐसे नामों से अपने आप को बचा कर रखें कि जो नाम गैर मुस्लिमों के रखे जाते हैं, जो नाम गैर मुस्लिमों की पहचान है, हम अपने आप को ऐसे नामों से बचाएं। अगरचे पहली आसमानी किताबों के अंदर वो अंबिया के नाम ही क्यों ना हो। मैं एक दफ़ा फिर कहता हूँ, नाम रखने के अंदर तीसरा काम आप ये कीजिए कि आप अपने बच्चों को ऐसे नामों से बचाएं कि जो नाम गैर मुस्लिमों की पहचान है, अगरचे पहली आसमानी किताबों के अंदर वो अंबिया के नाम ही क्यों ना हो। मैं आपको एक दो मिसाल देना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर बाइबल है, बाइबल के अंदर हज़रत दाऊद का नाम है डेविड। हज़रत दाऊद को बाइबल के अंदर डेविड के नाम से याद किया गया है। तो अब अगर कोई शख्स ये कहे कि हज़रत दाऊद का नाम डेविड है तो मैं अपने बच्चों का नाम ये रख सकता हूँ, तो कतान जायज़ नहीं है। यूसुफ़ बड़ा खूबसूरत नाम है, तो बाइबल के अंदर हज़रत यूसुफ़ को जोसेफ के नाम से याद किया गया है। तो अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं अपने बच्चे का नाम जोसेफ रख सकता हूँ क्योंकि बाइबल के अंदर ये नबी का नाम है, तो कतान हमें इजाज़त नहीं है,
قطعاً ہمیں اجازت نہیں ہے. کیوں بھلا؟ اس وجہ سے کہ جوزف اور ڈیوڈ یہ دونوں عیسائیوں کے اندر بڑے مشہور اور معروف نام ہیں. تو نام رکھنے کے اندر جو تیسرا کام آپ کریں وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ایسے ناموں سے بچائیں, اپنے بچوں کو ایسے ناموں سے بچائیں کہ جو نام غیر مسلموں کی پہچان اور غیر مسلموں کے اندر جو مشہور اور معروف ہے. یہ دوسرا کام تھا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت ایسی ہو کہ جیسی قرآن نے کہا, جیسی نبی کے فرمان نے کہا, ہم اگر اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ہم دوسرا کام یہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی خوبصورت نام تجویز کریں, کیونکہ والدین کی طرف سے یہ بچے کو سب سے پہلا تحفہ اور سب سے پہلا ہدیہ دیا جاتا ہے. اور ایک تیسرا کام بھی ہے, میرے معاشرے کی بڑی دکھتی رگ ہے یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر بچیوں کی پیدائش کے اوپر خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو میرا معاشرہ بڑی خوشی مناتا ہے, لیکن اگر بچی کی پیدائش ہو تو میرا معاشرہ خوشی نہیں مناتا. یاد رکھنا, یہ مسلمانوں کا رویہ اور مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. جب اللہ کے نبی تشریف لائے, جب آپ کو نبوت دی گئی نا, تو مکہ کے اندر یہی رواج تھا. مکہ کے اندر لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اگر کسی کا مکہ جانا ہوا تو آپ جا کر دیکھنا کہ آج بھی وہ جگہ اسی طرح باقی ہے جس طرح 1450 سال پہلے تھی. شاید اللہ تعالیٰ اس کو عبرت کے لیے باقی رکھنا چاہتے ہیں. وہاں تعمیر کی کوشش کی گئی ہے لیکن وہاں کوئی چیز ٹھہر نہیں سکی. کسی چیز کی تعمیر وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکی. اللہ تعالیٰ اس جگہ کو نشان عبرت بنانا چاہتے ہیں جہاں مشرکین مکہ, جہاں کفار مکہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. یہ مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, اپنی بچیوں کی پیدائش کے اوپر خوشی نہیں مناتے تھے. لیکن جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تو جب آپ کو پتہ چلتا کہ کسی کے گھر کے اندر کسی بچے کی پیدائش اور ولادت قریب ہے تو آپ صحابہ کو سامان دے کر بیچتے, گوشت دیتے, کھجوریں دیتے, جو دیتے اور طرح طرح کی چیزیں دیتے. اور آپ جا کر کہتے کہ جا کر گھر والوں سے کہنا, اگر بیٹا ہو تو آپ رکھنا اور اگر بیٹی پیدا ہونا تو آپ زندہ درگور مت کرنا, آپ اس کو ہمارے حوالے کر دینا, ہم اس بچے کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں گے. یہی وجہ ہے آپ سیرت اٹھا کر دیکھیے کہ حضرت عائشہ کے پاس بے شمار بچیاں پڑا کرتی تھیں. جب دور صدیقی آیا تو حضرت ابوبکر صدیق بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے. حضرت عمر لاکھوں روپے بیت المال کے اندر صرف اس لیے مخصوص رکھتے تھے, اگر کسی گھر کے اندر بچی کی پیدائش ہو جاتی نا تو سب سے پہلے آپ کا سوال یہ ہوتا تھا کہ آپ اس کی پیدائش کے اوپر خوش ہیں یا نہیں ہے. اگر والدین یہ کہتے کہ ہم خوش ہیں, پھر آپ فرماتے کہ ٹھیک ہے, آپ اس کی پرورش خود کیجئے. اور اگر والدین کہتے کہ ہم خوش نہیں ہیں, اگر والدین کہتے کہ ہمیں یہ پیدائش منظور نہیں ہے, تو آپ اس بچی کو اپنے پاس بلا لیتے اور اپنے گھر کے اندر اس کی تعلیم, اس کی تربیت کا انتظام کرتے. بچی جوان ہوتی, پھر جوان ہونے کے بعد حضرت عمر خود کوئی مناسب رشتہ تلاش کر کے بچی کا بیاہ کر دیتے تھے. یہ اس وقت کی عادت تھی, لیکن اللہ کے نبی نے اس کو ختم کیا. یہی وجہ ہے دور مکہ سے لے کر دور مغلیہ تک آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے نا, آپ کو ایک موقع بھی ایسا نہیں ملے گا, آپ کو ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ بچی کو پھر زندہ درگور کیا گیا ہو. لیکن مغلیہ دور کے اندر آ کر جب مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہنا شروع ہوئے نا, تو پھر وہی ہندوؤں والی رسمیں ہمارے اندر اترتی گئیں. اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کہ آج ہمارے اندر مکمل ہندوانہ رسومات اتر چکی ہیں. آپ کا پڑوسی ملک ہے, آپ دور مت جائیے, آپ اپنے پڑوسی ملک کا وزٹ کیجئے. آج بھی جہاں پر ہندوؤں کی کثرت ہے نا, عورت کے بارے میں ان کا اصول یہ ہے کہ عورت کسی بھی چیز کی مالکہ نہیں بن سکتی.
सकते। औरत किसी भी चीज़ की मालिका नहीं बन सकती, औरत के नाम पर गाड़ी नहीं निकाली जा सकती, कोई मकान कोई ज़मीन औरत के नाम पर बैंक के अंदर अकाउंट नहीं बनाया जा सकता। ये उनकी रसूमात हैं, उनके अंदर वही आदात थी जो मुशरिकीन मक्का और कुफारे मक्का के अंदर थे। दरमियान के अंदर आप अपने 800-900 साल माइनस कीजिए, 900 साल, एक वाकया भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी बच्ची के साथ कोई गलत सलूक और रवैया रखा गया हो। लेकिन जब से हम हिंदुओं के साथ इकट्ठे मिलजुल कर रहना शुरू हुए, उनकी रसूमात दोबारा हमारे अंदर उतरना शुरू हुई और आज सारा कुछ वही है जो जो उसूल जो जाबते और जो रवैये मुशरिकीन मक्का के अपनी बच्चियों के साथ थे, जो हिंदुओं के अपनी बच्चियों और औरतों के साथ थे, आज वही उसूल वही जाबते और वही रवैये हमारे अपनी बच्चियों के साथ होना शुरू हो गए हैं। आप ज़रा कुरान का मुताला कीजिए ना, सूरतुन नहल के अंदर अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत नक्शा खींचा है और आप उन आयात को अपने मुआशरे के ऊपर फिट कीजिए, आपको पता चलेगा कि कैसे हमारे मुआशरे के अंदर लफ्ज़ बा लफ्ज़ वो सच्चा आ रहा है। अल्लाह ने फरमाया वाइज़ा बुशिर अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन, जब उन मुशरिकीन मक्का को किसी लड़की की पैदाइश की खुशखबरी दी जाती थी ना, फिर क्या होता था भला, ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन, चेहरा स्याह हो जाता था, वहुवा कज़ीम, और वो जो दूल्हा वो जो बाप है वो गुस्से में फिरता था, यतवारा मिनल क़ौमी मिन सूई मा बुशिरा बी, वो अपने आप को छुपा कर रखता था कि लोग आकर कहें कहीं मुझे बेटी की खुशखबरी ना सुना दें, खुशखबरी ना सुना दे। आगे कुरान बड़ा खूबसूरत जुमला बोलता है, अयुमसिकुहू अला हून, उसके बाद दो रास्ते थे, या तो जिल्लत बर्दाश्त करते हुए बेटी को पास रखें, अम यदुस्सुहू फित्तुराब, या फिर जाकर उसको मट्टी के अंदर दबा दें। आगे कुरान कहता है अला सा अमा यहकुमून, खबरदार ध्यान रखना बड़ा गलत फैसला जो तुम कर रहे हो, बड़ा गलत फैसला है जो तुम कर रहे हो। ये मेरे मुआशरे का एक बहुत बड़ा अलमी है कि हम बच्चों की पैदाइश के ऊपर खुश होते हैं लेकिन बच्चियों की पैदाइश के ऊपर हम भी नाराज़ होते हैं। तलाकें भी हुई हैं, कत्ल भी हुए हैं, घर भी उजड़े और घर भी वीरान हुए हैं। बच्चों की तालीम बच्चों की तरबियत के अंदर सबसे बड़ा जो आपने काम करना है, उस तरह आप तरबियत करें जिस तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया, और उसमें से एक काम ये है कि जिस तरीके से बच्चों की पैदाइश के ऊपर खुशी मनाई जाती है बिल्कुल उसी तरह बच्चियों की पैदाइश के ऊपर भी खुशी मनाई जाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।